हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन आप देखिए। इसमें जो एनिमेशन आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, जो पूरा ये एनिमेशन हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा एनिमेशन मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह ये पूरा एनिमेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो नॉर्मली रहता है ना, जो टायर का एनिमेशन है, मैंने पहले भी बताया कि टायर का एनिमेशन कैसे होता है। यहाँ पे मैं ड्राइंग बनाता था, उस टायर को घुमाता नहीं था, ड्राइंग बना के उसको यहाँ पे एनिमेट करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे पुराने वीडियो देखे तो आपको पता लग जाएगा कि टायर का एनिमेशन मैंने कैसे किया है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे ये बताऊंगा कि इसके अंदर जो ये पूरा का पूरा पहिया है, ये कैसे एनिमेशन किया है मैंने, और बाकी मैं पूरा ये कंपाइल करके दिखाऊंगा आपको प्रॉपर कि किस तरह मैंने ये पूरा सीन बनाया है गाइस, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jiva.edu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइज, बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे, और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइज, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का वीडियो यही है कि यहाँ पे पूरा एनिमेशन ये कैसे हुआ है। मेन यही है कि जो इसके नेम यहाँ पे जो पहिया है, ये कैसा एनिमेशन हुआ है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफिक ले रखा हूँ, तो अगर आप नए हो, अगर आपको लग रहा है कि ग्राफिक कैसे बनते हैं, तो ये पूरा ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, उसके बाद एनिमेटर पूरा काम करता है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं अंदर आया, मैं सीधा जो अपना ये वाला पहिया है इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर काम करना शुरू करता हूँ। इसके अंदर चला गया तो नॉर्मली ग्राफिक डिजाइनर आपको ऐसा एक ही लेयर पे दे देता है, आपको बस ये जो ये इस तरह के है ना, इनको अलग अलग करना है। इसको जैसे मैंने रिग वाला वीडियो बताया ना, जिसे रिगिंग करते हैं, तो रिगिंग का एक होता है कि आपको गोला लगाना होता है, प्रॉपर करेक्टर रिग कैसे करते हैं, और वैसे ही आपको इनको भी डिवाइड करना है। रिग का बीच का वो भी मतलब भी आपको किस तरह डिवाइड करना है, वो हर सीन में डिफरेंट हो सकता है, हर सिंबल में डिफरेंट हो सकता है। इसमें देखो, जैसे मुझे पहले ही मैंने माइंड सेट कर दिया कि मुझे क्या क्या अलग अलग लेयर पे रखना है, तो मैंने इसको सबसे पहले इसको कंट्रोल एक्स किया और ऊपर जाके लेयर ले लिया और पेस्टिंग प्लेस कर लिया। आप इसको राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे जाके इसको बंद कर दिया। और मैंने इसके बाद इसको लेना है, यहाँ पे जो इसके अंदर वाला ये वाला जो इसमें ड्राइंग बना है, इस वाले ड्राइंग को मैंने कंट्रोल एक्स किया और इसको ऊपर पेस्ट किया। इसको मैं बाद में हटा दूंगा, क्योंकि इसकी जगह मैं दूसरा वो लगा इसको रख लूँगा, मतलब दूसरा ड्राइंग को रखना है। तो ये इसके बाद ये नीचे वाले लेयर पे इनको रख लो, कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इतने को डिवाइड करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो ऊपर वाला ड्राइंग है ये इसके ऊपर रहेगा। तो गाइज, यहाँ पे मेन क्या काम करना है, अगर आप देखो इस पर जो अंदर वाला जो ड्राइंग है ना, इसको हमने इस तरह घुमाना है, लेकिन अभी ये इस तरह घुमाएंगे तो इस तरह टूटा फूटा सा लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये ड्राइंग बनी है इनको ऊपर नीचे लंबा करना है इसको। तो ऑलरेडी मैंने ये लंबा करके रखा हूँ यहाँ पे, ताकि टाइम बचे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा हूँ ये। तो मैंने ये ड्राइंग को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने वाले सीन पे आया। अपने वाले सीन पे आने के बाद मैं इसको बंद करके रखता हूँ यहाँ से, ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। मैंने इस पर ही पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कंट्रोल वी किया और नीचे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ दोबारा, और इसको नीचे वाले को हटा के पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ, ये फिर से आ जाएगा यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए बता दूँ मैंने कैसे किया, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, किस तरह मैंने ड्राइंग को लंबा किया, ये सब मैंने जानबूझ के किया, ताकि मैं इसको रोटेट कर सकूँ। मैं इसके अंदर और जाता हूँ, और ये चला गया। आप ये बाहर आओगे ना, प्रॉपर बाहर आओगे, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, मैं दो बार सिंबल बनाया, इससे पहले बाहर भी सिंबल बनाया और इसके अंदर भी सिंबल है। और इसके अंदर चला जाता हूँ, ये ग्रुप है, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इसके अंदर जाना है। तो गाइज, इसका मैं FLA नहीं आपको डालूंगा नहीं, क्योंकि FLA मेरे ऑलरेडी में जो FLA डालता था वो कोई मतलब कुछ लोग मैं जो अपने YouTube स्टोरी पर उसको यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से मैं वो FLA डाल नहीं रहा हूँ। अदरवाइज आप मेरी क्लास ज्वाइन करते तो मैं आपको FLA भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। अगर आप बिल्कुल फ्री में सीख रहे हो, अभी YouTube से सीख रहे हो, तो आपके स्टोरी में जब भी कभी ऐसा एनिमेशन आएगा, तो आप इस वाले एनिमेशन को अपने करेक्टर को मतलब किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से बना के उसको फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोई प्रैक्टिस का वैसे वो कोई वो नहीं है, मतलब कोई प्रैक्टिस करने का ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस करना है, आप इसको सीधा का सीधा अपने एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा एक टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब भी ऐसा एनिमेशन आपकी स्टोरी पे आता है तो आप कर सकते हो। तो देखो, मैंने ये वाला ड्राइंग को कॉपी, ये वाला ड्राइंग को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ बड़ा किया हूँ, ऐसा इस तरह मैंने बड़ा किया, सबको पहले से बड़ा करके रखा हूँ। तो इस तरह मैंने बड़ा किया, और ऐसा इसलिए किया, जब मैं बाहर आऊँगा, ये सिंबल है, आप बाहर आओगे ना, तो एक सिंबल ये हो गया, ये एक सिंबल है, और इसके अंदर चला गया, ये दूसरा सिंबल है,
ये दूसरा सिंबल है। अभी देखो क्या करूंगा मैं, इसको जैसे रोटेट करूंगा ना, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे इतना जो गोला है ना, इसके अंदर मतलब कट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो मैं इसको ऐसा घुमाता हूँ, तो ये यहाँ से ड्राइंग कम नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ से ड्राइंग कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बाहर की ओर रखा है। ठीक है, कंट्रोल एक्स करता हूँ तो वापस आता है यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना है, खाली ट्विन लगाना है ऊपर, ये लेयर एक्स्ट्रा है मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे खाली ट्विन लगाना है। आगे आके सेलेक्ट किया और F6 किया, और F6 के बाद बीच में आया, राइट क्लिक करके ट्विन लगा दिया, क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मुझे खाली इसको इस तरह ऐसा रोटेट करके इस तरह मैंने इसको यहाँ पे ला दिया ऐसा। तो एक बार आप देखोगे तो कैसा एनिमेशन होगा, यहाँ पे इस तरह ये रोटेट होके इस तरह यहाँ पे इस तरह आ चुका है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो इस तरह ये रोटेट होकर इस तरह आएगा ऐसा ऐसा। थोड़ा सा मैंने इसको आगे किया तो इस तरह ये रोटेट होके ऐसा इस तरह आगे ऐसा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह आगे ऐसा। तो जैसे यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो ये कम पड़ रहा है, यहाँ पे इस तरह कम पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ कम पड़ता है तो आपको इसके अंदर आना है, इसके अंदर आने के बाद नॉर्मली इसके अंदर आओ, या फिर आप इसको ड्राइंग को यहाँ पे ऐसा छेड़ सकते हो, ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको खींचा ताने भी कर सकते हो उसके साथ। तो नॉर्मली मैंने ऐसा कर दिया और उसके बाद मैं वापस आ गया, तो ये इस तरह मैंने, अब ये इसके अंदर टूटेगा नहीं इस तरह, तो इसलिए हमने इसको बाहर करके रखा था। ये हो गया, मैं बाहर आया तो बाहर आने के बाद ये इस तरह यहाँ पे एनिमेशन इस तरह हो गया। अभी हमें क्या करना है, इतने को हमने मास्क करना है, जो बाहर का है वो हटा देना, अब खाली इसके अंदर का मास्क करना है। उसके लिए मैंने यहाँ इसको बंद करके रखा हूँ। मास्क करने के लिए हमें कितना मास्क करना है, इतना मास्क करना है, यहाँ पे इतना शो होना चाहिए वो जितना भी अंदर का ड्राइंग है। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग बनाने के लिए नीचे वाले को कॉपी किया, इसी को कॉपी किया, जो ये वाला ड्राइंग है इसी को कॉपी किया, और ड्राइंग को ये जो अपना मतलब ये वाला जो अभी हमने एनिमेशन किया, ये वाला एनिमेशन किया है, इसके ऊपर जाके एक लेयर लेना है। लेयर लेने के बाद यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करना है। पेस्टिंग प्लेस नीचे मैं हटा देता हूँ तो ये आपको नज़र आ गया, ये वाला पेस्टिंग प्लेस हो गया। तो मैंने इसको क्या करना, ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद मैंने सबको यहाँ पे डिलीट कर देना आउटसाइड से, जो भी है हमें डिलीट करना है, हमें खाली अंदर का गोला चाहिए। अंदर के गोले के लिए भी गाइज जो यहाँ पे ये है ना, ये जो ड्राइंग है यहाँ पे, ये जो ड्राइंग है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा अंदर की ओर वो बनाओगे ऐसा, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे इसको बाहर वाले को मैंने डिलीट कर दिया ड्राइंग को, और इस वाले को भी डिलीट कर दिया, और मैंने यहाँ पे इसका कलर बदल दिया। और कलर बदलने के लिए स्ट्रोक साइज़ पे गया, स्ट्रोक साइज़ पे यहाँ पे इसका स्ट्रोक साइज़ का सॉरी स्ट्रोक का कलर बदल दिया। कलर बदलने के बाद मैंने नीचे वाले लेयर को ऑन किया। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस ये जो ये वाला जो ड्राइंग है इसको थोड़ा सा मुझे अंदर की ओर रखना है, इतना ये मास्क बना रहा हूँ मैं। ऑलरेडी मैंने बहुत बार मास्क बना दिया है, तो इस तरह मैंने इस तरह किया ऊपर, ये सिर्फ इसी साइड से करना है ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो इतना नज़र आए। और ये इस साइड से इस साइड ऐसे रखना, तो अपना क्या हो गया, इतना हो गया। और इसके बाद मैं नीचे बंद करता तो ये अपना गोला बन गया, और इस गोले के अंदर कोई भी कलर डाल दो। फिलहाल के मैंने ये वाला कलर डाला है, और सीधा मुझे मास्क करना है। जैसे मैं मास्क करूँगा निचले वाला लेयर मास्क हो जाएगा, मैंने इसको मास्क कर दिया। तो देखो ये जो पहिया है इतना मास्क हो गया इतना, क्योंकि ये जो पहिया जो नॉर्मली ये वाला जो ड्राइंग था, ये जो हमने एनिमेशन किया था, ये इसके अंदर आ गया मास्क। जैसे मैं नीचे ऑन करता हूँ तो आपको नज़र आएगा जो हमने यहाँ से ड्राइंग को अंदर रखा था, तो ये इसके लिए रखा था ताकि यहाँ पे इतना मास्क हो जाए वो। तो अभी देखो ये पूरा का पूरा ये एनिमेट हो रहा है ऐसा। तो गाइज ये सिंपल था, बिल्कुल ही सिंपल था, कोई भी कर सकता है ये। इस तरह ये था, ऑलरेडी मैंने जो टायर के जो एनिमेशन मैंने बनाया वो उसके लिए हमें मैं नॉर्मली आके मैं ड्राइंग बनाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई भी यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इस तरह मैं ऐसा ड्राइंग बनाता था, उसको जाके लूप करता था एक एक करके, तो वो ड्राइंग यहाँ पे चलती थी, ऐसा लगता था टाइट चल रहा है। तो ऑलरेडी मैंने पहले जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया उसमें मैंने बहुत बार कई जगह ये एनिमेशन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे ट्यूटोरियल पहले से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब जाके आपको पता लगेगा गाइस। ठीक है, तो ये हो गया, ये इतना होने के बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद अब मुझे पूरा ये एनिमेट करना है। ऑलरेडी मैंने जो ये एनिमल का ये पहले से कर रखा हूँ, यहाँ पे अंदर आओगे तो ये एनिमेशन मैंने पहले से कर रखा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसका तो एनिमेशन आपको सिखाया नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे जाओगे, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैमल वॉक भी बनाया है, और जितने भी वॉक होते हैं वो सेम ही होते हैं। यहाँ पे देखोगे आप हाउ टू क्रिएट कैमल वॉक साइकिल, आप इसको सीखोगे ना, सारे एनिमल का वॉक एक रंग का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हाउ टू एनिमेट फ्रंट वॉक, बैक वॉक, सॉरी करेक्टर वॉक जो भी होता है, तो ये भी एक रंग का होता है। एक आदमी का आप सीख जाओगे वॉक करना तो सभी आदमी का सीखोगे, वैसे ही एनिमल का, एक एनिमल का सीखोगे तो सबका हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एनिमल का वॉक नहीं बनाया। ठीक है, तो आप पहले वॉक सीखने के लिए वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद वो वॉक करने के बाद इसका एनिमल का वॉक कर सकते हो। यहाँ पे इसका मैं आपको प्रॉपर आपको इसका FLA देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप भी इसका अगर मैं आपको ये दूंगा तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं इसको जाके अपना ही स्टोरी में यूज़ कर रहे हैं, तो गाइज वो बिल्कुल ही सही नहीं, इसलिए मैंने बंद किया। अदरवाइज मैं पहले देता था FLA, इसलिए मैंने बंद किया। जो मेरे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं ऐसे FLA प्रोवाइड करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज वो मेरे को फी दे रहे, और जो फीस दे रहे वो मेरे टाइमिंग का, क्योंकि मैं उनके लिए टाइम निकाल के दे रहा हूँ। अदरवाइज आप फ्री में सीख सकते हो यूट्यूब में, यहाँ पे है ना, फ्री में सीख सकते हो।
तो ये है, अभी मुझे क्या करना है, अब नॉर्मली मुझे पूरा का पूरा ये एनिमेट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले की लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने पहला की लगाया 19 पे, ठीक है, सबसे पहले की 19 पे लगाया, 19 पे की लगाया, और अगला की 36 पे लगाना है, ठीक है, 36 पे की लगाया यहाँ पे आके, तो इसको मैंने बैक किया, इतने पे की लगा के यहाँ पे इतने पे की लगा दिया, यहाँ पे इतने पे की लगा दिया। और इसके बाद मुझे क्या करना है, नॉर्मली मुझे यहाँ पे आके लगभग यहाँ पे मैंने 9 पे की लगा दिया, ठीक है, लगभग 9 पे की लगा दिया। 9 पे की लगाने के बाद मैंने सिर्फ इस वाले ड्राइंग को पकड़ना है, यहाँ पे इस वाले ड्राइंग को पकड़ना है। वो गाइस जो भी आपका ग्राफिक रहेगा ना, जैसे कोई भी ग्राफिक इस टाइप के ग्राफिक बना है, तो वो आपके ग्राफिक के अकॉर्डिंग है किस तरह आपके वहाँ पे और भी चीज़ें, तो मैं बस इसको एनिमेट दिखा रहा हूँ आपको किस तरह, ऐसा देखने से आपको पता लग जाएगा किस तरह मैंने एनिमेट किया हूँ। मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रखा है और इसको थोड़ा सा नीचे किया हूँ, और इस करेक्टर को थोड़ा सा पीछे की ओर ऐसा किया हूँ। तो अभी मैं इस पर पूरा का पूरा ट्विन नहीं दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आने के बाद F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे लगभग ये मुझे 39 यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लगा लेता हूँ, यहाँ पे 28 पे लगा देता हूँ, आगे लग गया थोड़ा, 28 पे F6 किया। अगर ऐसी की लग जाती है तो सबको सिलेक्ट कर दा और राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लियर की फ्रेम आता है, क्लियर की फ्रेम कर दिया, और मैंने यहाँ पे भी सेम जैसे पीछे और 9 पे किया था वैसे इसको सिलेक्ट किया, और इसका पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा यहाँ पे नीचे, और इसके बाद मैंने इसको नीचे किया। अगर गाइज आप बिल्कुल ही नए हो, अब आपने सीधा मेरा ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो जाके पहले मेरा पूरा वीडियो देखे, पूरे ट्यूटोरियल देखे, यहाँ पे बिल्कुल मैंने आधा घंटे से लेकर 1 घंटे से लेकर प्रॉपर पूरे एनिमेटर को बनने के लिए प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दिया। आप कोर्स के बारे में जानने के लिए मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बता दूंगा कितना टाइमिंग रहेगा और कितने दिन में आप क्या क्या सीखोगे, ये सब आपको बता दूंगा, ठीक है। जो मार्केट में सॉफ्टवेयर सिखाते हैं 50K में सिखाते हैं, मैं आपको हाफ रेट में उसको सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं आगे जाके आपको हेल्प भी करूंगा, ये उनके लिए जो मेरे से पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं। तो ये हो गया, इतना हो गया, इतना होने के बाद मैं सीधा आके यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, मैंने ऊपर से लेकर सबको सिलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे माउस से पूरा सिलेक्ट किया हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगा दिया, क्लासिक ट्विन लगा दिया, और इस तरह क्लासिक ट्विन लगाने के बाद ये इस तरह एनिमेट होगा ऐसा, ठीक है। तो अभी क्या है गाइज, इस जो करेक्टर है, मैं करेक्टर के अंदर जाता हूँ, इस पर थोड़ा सा गड़बड़ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या है वो, इसलिए क्योंकि मैं अभी कंट्रोल एंटर मारने वाला, तो उसमें वो नज़र आता है। तो यहाँ पे इसके अंदर चला गया जो ये जो है ये ड्राइंग बाद में नज़र आएगी, तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ इस तरह। वो आपको करना नहीं है, ये खाली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि किस तरह रहता है। ये क्या हुआ है कि अगर मैं इसको अभी चलाता था, उसको मैं कंट्रोल एंटर मारता था, यहाँ पे मूवी क्लिप था, तो मूवी क्लिप में वो बाहर नज़र आता था, तो मैं इसके अंदर चला गया, इसके अंदर भी देखा तो इस तरह, तो इसके अंदर है नहीं है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह ये एनिमेशन हुआ है। तो ये हो गया, अभी मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो हमारा जो वॉक है इसीलिए चल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप एक की पे है, तो हमें इस की को आगे बढ़ाना है। F5 से आगे बढ़ाया, अब कंट्रोल एंटर दबाया, कंट्रोल एंटर दबाने के बाद यहाँ पे ये चालू हो जाता है, इस तरह एनिमेशन हो जाता है ऐसा। तो ये एनिमेशन है गाइस, इसके बाद आप आगे करोगे। इसमें मेन था कि ये कैसे एनिमेट हुआ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन वो बहुत काम की चीज़ है, जो आपको बाद में काम आएगी, किस तरह ये पूरा एनिमल वॉक के साथ ये भी कैसा काम करता है, क्योंकि जो पूरा पहिया है, पूरा का पूरा टायर है, किस तरह है, 2-3 का मैंने एनिमेशन पहले से बना के रखा हूँ, जैसे पहिया का कैसा, टायर का कैसे एनिमेशन हो, तो आप पुराने वीडियो देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह मैंने उसका एनिमेशन किया हूँ, ठीक है गाइज। अभी मुझे इसको थोड़ा सा कंपाइलिंग करना है, कंपाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर कंपाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर छोटा किया हूँ, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीजी लाना है, फर्स्ट मुझे बीजी लाना है, बीजी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा हूँ, तो इस बीजी को मुझे उठाना है, कॉपी किया। इस तरह के बीजी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बना के दे सकते हैं, तो मैंने आके ये सब यहाँ पे बीजी लेके रखा हूँ, और सीधा यहाँ पे आया, अपने लेयर पे आया, और यहाँ पे पीछे की ओर किया, और यहाँ पे नीचे नीचे जाके एक लेयर ले लिया। मैं यहाँ पे सीन पे ही काम कर रहा हूँ, बाहर आप अंदर सीन जाके काम सीन में काम कर लेना अंदर, ताकि आपको कभी स्टेज साइज चेंज करना होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सीन पे ही काम कर रहा हूँ। मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया, सॉरी कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह गाइस जो ये नॉर्मल सा एनिमेशन था, लेकिन थोड़ा सा काम की चीज़ है, क्योंकि कई बार आप अटकते हो कि इस टाइप के एनिमेशन कैसे करना होता है, जब भी आपका ऐसा कभी स्टोरी में रहता है तो आपको इस तरह ही करना है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली ये कैमरा एंगल सेट कर दिया, मान के चलो ये यहाँ से आ रहा है, तो मैंने इस तरह कैमरा सेट कर दिया ऐसा, और उस करेक्टर को भी ले लेता हूँ जो बच्चा वहाँ पर खड़ा है। तो मैंने ऊपर एक लेयर लिया,
तो उसके बाद यहाँ पे आया, जितना भी अपना करेक्टर एनिमेशन होता है ना गाइज, जितना भी करेक्टर एनिमेशन होता है जो भी रहता है वो हम अलग वो एक बार अलग करते हैं। तो प्रॉपर मैंने पहले भी बताया किस तरह हम करेक्टर को पहले अलग से एनिमेशन करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे कंपाइलिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रीमियर में जाके कंपाइल करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे इसको करेक्टर एनिमेशन कर रखा हूँ, करेक्टर एनिमेशन में मैं नहीं बताऊँगा कुछ भी डिफरेंट रहता है, क्योंकि अलग अलग टाइप रहता है, अलग अलग रहता है किस तरह स्मार्ट वर्क करते हैं ये सब। मैंने कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद मैं पीछे आया और अपना यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज मेरा इस चैनल का मेन ये है कि आप किस तरह अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आराम से एक अपना अकेले बैठ के स्टोरी बना सको, वही है। अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा नहीं कि इधर उधर का ज्ञान देने का, बस खाली आपको एनिमेटर बनाना है प्रॉपर। और आगे जाके जब अपना चैनल बड़ा होगा तो मैं आगे जाके आपको प्रॉपर प्रोफेशनल जो रहता है, जो एपिसोडिक एनिमेशन रहता है, जो फ्रेम बाई फ्रेम रहता है, वो भी सिखा दूंगा उसके लिए। लेकिन आपको ड्राइंग आना चाहिए, वो प्रॉपर जो जिनकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है वो फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने ये करेक्टर यहाँ रख लिया इतना, तो ये यहाँ पे रखता हूँ, इतना रखता हूँ मैं। तो इस तरह ये अभी मुझे क्या करना है, खाली जो ये वाला ये पूरा का पूरा ये है, यहाँ से लेकर ये आगे तक चल के आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाके इतना की लगा दिया, F6 कर दिया। F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद ये यहाँ से इस तरह आगे आएगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ये इस तरह ड्राइंग है प्रोस्पेक्टिव में। तो आगे आने के बाद जब सामने कोई चीज़ आती है तो बड़ी हो जाती है। तो मैंने नॉर्मली इसको थोड़ा सा ऐसा छोटा किया और इसको इतना बड़ा किया। तो एक बार हम जब कंट्रोल एंटर मार के देखेंगे तो अगर ये कुछ ज़्यादा फास्ट चल रही है तो हम इसको स्लो करेंगे। कई बार हमारे यहाँ पे शो नहीं होता है कितना फास्ट चल रही है, कितना स्लो चल रही है, तो वो यहाँ पे शो नहीं होता है। मैं शिफ्ट के साथ F5 कर रहा हूँ तो पीछे हो गया, तो ये शिफ्ट के साथ F5 करोगे तो पीछे हो जाएगा। तो अगर F5 करोगे खाली तो आगे हो जाता है। तो इस तरह मैंने इतना इतना एनिमेशन कर दिया ऐसा, ठीक है ऐसा। अभी मैं खाली देखने के लिए मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ कि किस तरह वो, अगर ये पूरा फास्ट चलता है तो मैं एक बार फिर से इसको सेट करूँगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर मारा देखने के लिए कि किस तरह का एनिमेशन हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरह, ये देखो कितना फास्ट चल रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने इसको हटा दिया, काफ़ी फास्ट चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ, इतना आगे रखता हूँ। इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर ऐसा इस तरह चलेगा ऐसा, ठीक है। अभी देखो मैंने उठा के पहले पीछे था। आपको जब भी कभी ऐसा करना हो तो कभी गैप में फास्ट चल रहा है तो उसको उसका डिस्टेंस को कम करना है। पहले देखो ये पीछे था, अभी मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा आगे किया यहाँ पे। अभी आप मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो एक बार आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये चल रहा है, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा किस तरह ये चल रहा है। इस तरह चल रहा है, ठीक है, ऐसा इस तरह चल रहा है ऐसा, ये देख रहे हो, ये इस तरह चल रहा है। अभी आप देख रहे हो प्रॉपर, आपको दिख रहा होगा किस तरह चल रहा है। पहले ज़्यादा फास्ट चल रहा था, इसका डिस्टेंस बस कम करना है। एक शॉट है, ये पूरा का पूरा शॉट है। अभी मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से करेक्टर आ रहा है यहाँ पे, इस तरफ तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पे छोटा है और वहाँ पे बड़ा हो जाएगा। या फिर आप देख रहे हो कि कितने छोटे बैल है। तो ये सब कंपाइलिंग का पार्ट है। तो आपको यही चीज़ देखना है, मैन यही चीज़ देखना है। जैसे यहाँ पे देखो जो ये करेक्टर है कि कितना कितना बड़ा लग रहा है, बैल के सामने कितना बड़ा लग रहा है। तो ये सब कंपाइलिंग का पार्ट है। अभी मैंने क्या करना है, अभी आपको ये मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि किस तरह कभी ऐसी गलती रहती है तो आपको पहले ये डिसाइड करना है, या तो ये करेक्टर छोटा करना है या फिर इसको मैंने बड़ा कर दिया, ऐसा बड़ा कर दिया। इतना बड़ा करने के बाद इस करेक्टर को और छोटा कर दिया ऐसा, लगभग इतना छोटा। कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसके साथ प्रॉपर रहता 9.5 कर दिया इतना। तो इतना ये बिल्कुल फिर भी ठीक बैठ रहा है, इतना करेक्टर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो आगे आगे जो मैंने की लिया इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ गाइस। खाली मैंने F6 फिर से किया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इस करेक्टर इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस किया, इसको 1.15 कर दिया, है ना, बड़ा कर दिया। और इसको बड़ा करने के बाद इसको सीधा आगे की ओर इतना निकाला और मैंने क्या करना, कंट्रोल एंटर मारना देखने के लिए कि कैसा हुआ वो। ये सब मैं आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी देखो इसका साइज कितना बड़ा है और ये इससे छोटा है, क्योंकि ये जो भी ये रहता है ये काफ़ी बड़ा रहता है। तो आप इसका साइज और बड़ा कर सकते हैं, कंपाइलिंग का है। तो इस तरह देखेंगे आप, अगर स्पीड में ज़्यादा तेज चल रहा है तो आप उसका डिस्टेंस को कम करोगे, ठीक है। तो गाइज ये मेरा इस वीडियो का मेन था कि जो इसका पहिए का एनिमेशन हुआ वो कैसे हुआ है। अगर आपको लगता है फास्ट चल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और आगे करोगे, तो इस तरह यहाँ पे इस तरह आगे करोगे तो ऐसा रखोगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि आगे जाके मुझे बाहर की ओर निकालना, काफ़ी बड़ा करना है। तो इसको यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको बड़ा करूँगा काफ़ी। इसको मैंने ऐसा इतना बड़ा कर दिया और इसको सीधा यहाँ पे निकाल दिया ऐसा, ठीक है। इसको मैं बंद करूँगा तो कैमरा में इतना नज़र आएगा। तो यहाँ से ये जब चल के आएगा तो इस तरह यहाँ से सामने से फ्रंट से बाहर निकल के आएगा। अभी कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा, कंट्रोल एंटर में आपको पता लग जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइज इस तरह रहेगा एनिमेशन, देख रहे हो आप कैसा हुआ, एक छोटा सा शॉट है जो मैंने पहले दिखाया, एक छोटा सा शॉट है। तो
तो आपको पहले ये भी देखना है कि करेक्टर सामने वाले करेक्टर से कितना बड़ा छोटा, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये मेरा मेन इसमें ये था कि जो पहिया का एनिमेशन था वो कैसे हुआ है, और बाकी जो भी ऐसा छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं मैं आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल बना के लाऊंगा ताकि आप प्रॉपर एक एनिमेटर बन पाओ, आपको प्रैक्टिस करने को मिले। अदरवाइज गाइज जो ये जैसे मैं ये पहले आपको डालूंगा नहीं, तो आप कोई भी कभी आपके पास एपिसोडिक ये जो ऐसा एनिमेशन रहेगा कभी भी आप आएगा आपके पास, तो आप उस टाइप का एनिमेशन कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज आप कंप्लीटली जो आपके पास करेक्टर है उसमें प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप प्रॉपर एक एनिमेटर बनोगे। जब आप स्टोरी चालू करोगे और उसमें ऐसा इस टाइप का एनिमेशन रहता है तो आप इस वाले एनिमेशन को अपने वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इसके मुताबिक, ठीक है। तो गाइज मेरा इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था जितना ये एनिमेशन आपको सिखाया है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा।